हेलो दोस्तों, तो आ गए आप। कब से आपका वेट कर रहे थे और अंत आप आ ही गए। तो चलिए इसी के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में ना इस चैप्टर को छोड़ करके तैयारी नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को ना चुटकी में सॉल्व करेंगे, आप करेंगे मैं नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप मेरे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी को भी बजाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज मीन्स हो गया प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 में एक भाग क्या हो जाएगा, परसेंटेज का लगा। प्रति मीन्स एक, सत मीन्स 100, यानी कि 100 भाग में से एक भाग ले लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, परसेंटेज। परसेंटेज को इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी कि एक परसेंटेज का मीन्स हो गया प्रत्येक 100 भाग में से एक भाग क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि 100वां भाग, 100वां भाग ही क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप इसे याद कर लेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए तो उस पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ले रखी है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इससे पहले कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। 1% का मीन्स हो गया 100 में एक भाग, यानी यदि हम बात करें 2% का तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/100, यानी कि प्रत्येक 100 भाग में से 2 भाग यदि ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2%। यदि हम बात करें 10% कितना होगा, तो यानी कि प्रत्येक 100 का भाग में से 10 भाग ले लेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यदि हम बात करें कि 20% कितना होगा, 100 में से यदि हम 20 ले लेंगे तो यानी कि यह हो जाएगा 100 का 20वां भाग, यानी कि यह हो जाएगा 20%। ठीक ना। तो इस तरह से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए। हम जानते हैं सबसे पहले हाउ टू चेंज फ्रैक्शन वैल्यू इनटू परसेंटेज वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, यानी कि 20 जो है 80 का कितना परसेंट है। तो जिसका कहेगा ना उस वैल्यू को नीचे रख लीजिए। जैसे कि है 20 80 का, तो 80 का है तो 80 को नीचे रख लीजिए, 20 तो 20 के बारे में कह रहा था इसको ऊपर रख लीजिए, यानी कि ये 20 80 का कितना परसेंट है उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फ्रैक्शन में था, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया परसेंटेज में। तो चलिए अब इसको काट लीजिए, तो 20 चौका 80 चार बार में, चार से ये कट जाएगा 25, यानी कि 25%। यानी कि जिसका कहेगा उसको नीचे में रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो यानी कि 5 जो है 100 का कितना परसेंट है। हमको पता है 100वां भाग में से जो भाग ले लेते हैं वही परसेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 100 भाग में से हम कितना लिए हैं, 5 भाग, यानी कि 5 भाग लिए हैं, कितना में से, 100 में से। तो इसको हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो डायरेक्ट था ये, 100 में 5 भाग ले लिए तो इसका मतलब 5% हम ले लिए, तो ये हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, यानी कि 20 का ये 5 जो है कितना परसेंट होगा, जिसका कहेगा उसको नीचा में रखना है। तो 20 का कह रहा है, तो यानी 20 का कौन, 5, तो 5 जो है यह इस 20 का कितना परसेंट है उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा कितना बार में, 5 का 20, 4 से इसको काट लीजिए, यानी कि 25% आ गया। ये दोनों वैल्यू सेम आ गया। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं और एक क्वेश्चन को, 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, यानी कि ये 10 जो है ना इस 30 का कितना परसेंट है। यानी कि जिसका कहेगा उसको नीचे रखिए, 30 का यह 10 तो 10 को ऊपर रखिए, यानी कि यह 10 जो है इस 30 का कितना परसेंट है उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आ जाएगा कितना, 33.1/3% आ गया। तो आप इस तरह से ना फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। चलिए हाउ टू चेंज परसेंटेज वैल्यू इंटू फ्रैक्शन वैल्यू को भी सीख लेते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हाउ टू चेंज परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि 80 का 20% कितना होगा। यह बिल्कुल आपका बेसिक पॉइंट है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि हम खुद फिक्र में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं होगा ना, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। इसलिए आपको इन सब को अभी सॉल्व कर लेना है चुटकी में, ताकि आगे आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 20% ऑफ 80, यानी कि 80 का 20% कितना होगा। तो 80 का, इसके लिए क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई यूज करना है 80 का 20%। तो 20% का मतलब होता है कि 20 होगा कितना में, 100 में, 100 में 20 यानी कि 20%। तो 20% इसका मतलब हो गया 20 × 5 = 100, 5 से काटे यहाँ यानी कि 16 हो जाएगा। अब जो हम ये यूज किया है ना 20%, तो इसका मतलब 20 / 100, तब इसको काटे 1/5। अब इसको आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1/5, यानी कि 20% के बदला 1/5 यूज करना है, जो कि आपको एक स्टेप शॉर्ट कर देगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60% ऑफ इतना, यानी कि 240 का 60% कितना हो जाएगा। तो 240 का कितना परसेंट, 60%। तो 60 बाय क्या करेंगे, 100 करना है, क्योंकि 100 भाग में से 60 भाग यानी कि वो हो जाएगा 60%। तो 20 × 60, 20 × 5 = 100, 5 से इसको काटिए, 5 × 20, 5 × 8 = 40। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 144। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या लग रहा है, समय लग रहा है हमको काटने में, हम डायरेक्ट यूज करेंगे 60% इक्वल टू कितना होगा, तो 3/5 होगा, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे आगे। अभी तत्काल इसको केवल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33.1/3% ऑफ 60 कितना होगा, यानी कि 60 का 33.1/3%, इसको यदि परसेंट को हटाएंगे तो बाय में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 100, बाय में आ जाएगा 3, परसेंट को हटाएंगे फिर से 100 आएगा, तो इसको काट लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 से इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि यह आ गया 20। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 33.1/3% को 100/3% को हटाए, 100 किए, बाद में हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, जो कि आपके लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को ना शॉर्ट कर देगा, बिल्कुल शॉर्ट कर देगा, कैलकुलेशन ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट इसी टाइप के वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डाटा तैयार कर लिया है, अब समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि 1% का वैल्यू 1/100 याद ही रख लेना है, 10% का वैल्यू हो गया 10/100, ऐसा नहीं करना है कि 10/100 करेंगे तो ये 0 कैंसिल, अब लिखेंगे 1/10, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 10% जहाँ भी आएगा ना, फटाक से यूज कर दीजिए 1/10, आपको इतना सॉल्व करने का समय बच जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। 20% का मतलब हो गया कि 20/100 यानी कि 1/5, यहाँ तक हमने सॉल्व करके रख लिया है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया है। अभी हमने क्या किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए, लेकिन अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं। तो एक का मतलब हो गया कि परफेक्ट, एक मीन्स हो गया टोटल में टोटल, एक को लिख सकते हैं 1/1। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100% हो गया। दो हो गया 200%, 1/2 हो जाएगा 50%, 2 में 1 है तो 100 में कितना होगा, 50 होगा, 3 में 1 है तो 100 में कितना होगा, 33.1/3, यानी कि इसको दशमलव में बदल लीजिए तो 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.333 आता है, 1/3 का वैल्यू 0.333 पर रेकनिंग आता है, इसलिए दशमलव के बाद 33 पर रेकनिंग हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 1/4 कितना, 25%, इसको हमने यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब इस वैल्यू को याद रखने के लिए 1/6 है, अब 100 पुराना है ना, तो 16 × 96, 6 बार लग गया तो 16 से 6 बार लग गया तो यानी कि 16 बच गया कितना, 4 हो जाएगा कितना, 6 है ना, 6 तो 2 × 4 दे दिया 6 यानी कि 2/3, यहाँ आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से याद रख लेंगे।
तो 16.23 है, तो 2/3 का मतलब होता है, 2/3 का मतलब 0.6666 ये वैल्यू आता रहेगा। तो अब 16.23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 666 पर रेकरिंग। इसी तरह से 14.27 हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू। अब इसको क्या कर लेंगे हम, 14.27 का मतलब होता है 28.2856, इस तरह से होता है, क्योंकि 1/7 का मतलब होता है 0.142856, इस तरह से वैल्यू आता है। यदि आप इसको 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 याद रख लेते हैं तो यही वैल्यू अब यहाँ पुट करने में आसानी कर देगा। इस तरह से 1/9 का भी वैल्यू याद रख लेंगे। इस तरह से डाटा आप यहाँ तक तैयार कर लीजिए। अब इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि हम बताएं आपको कि बिना कैलकुलेशन किए आपका आंसर आएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, हमने एक एग्जांपल ले रखी है, इसको सॉल्व करते हैं इस चार्ट की मदद से। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जानेंगे इस तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हो जाएगा 20%, हमको निकालना है कितने प्रतिशत कमी की जाए। तो जहाँ भी आपको 20% की वृद्धि रहेगा, यहाँ आप चार्ट में देखिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला वैल्यू में 20% यहाँ है, 20% यहाँ है, 20% वृद्धि हो जाती है। तो खर्च में हमको क्या करना है, कमी करना है, तो इससे नीचे चलेंगे। तो जस्ट इसके नीचे क्या आ रहा है, 16.23, यानी कि खर्च में कितना कमी करना पड़ेगा, 16.23% का कमी करना पड़ेगा। आंसर आ गया चार्ट की मदद से। तो फ्रेंड्स, हमने फिर से दूसरा क्वेश्चन ले रखा है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको क्या दिया हुआ है, कमी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 25% मूल्य घट गया। तो 25% देखिए कहाँ है इस चार्ट में, यहाँ पर है, 25% मूल्य घट गया, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो वृद्धि वैल्यू पूछेगा आपको, तो जस्ट 1/4 के ऊपर 1/3 है, तो क्या है आपका 33.13%। इसका मतलब है 33.13% की वृद्धि कर देंगे तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर आपको पूछेगा कि 50% की वृद्धि हो गई है, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आपका आंसर फिर भी इतना हो जाएगा। तो यानी कि कमी पूछेगा तो नीचे जाना है, वृद्धि पूछेगा तो ऊपर जाना, जस्ट ऊपर जाना है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को याद रख करके आप आसानी से बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन से संबंधित दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फिर से कुछ क्वेश्चन ले रखी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक से। तो चलिए, 37.5% ऑफ 66.66 रेकरिंग है यहाँ पर, परसेंट ऑफ 24, यानी कि इसका वैल्यू आप निकालेगा तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो जहाँ पर ऑफ है वहाँ पर आप क्रॉस लगाइएगा, यानी कि मल्टीप्लाई लगाइएगा। तो 37.5% कितना होता है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, दशमलव उड़ाइएगा, बाय में 10 आएगा, और 100 को इस परसेंट को हटाइएगा तो फिर से बाय में 100 लाइएगा। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपका लॉन्ग जाएगा ही जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, शॉर्ट टिप्स यूज करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8 का वैल्यू कितना है, 1/8 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12.5%। तो 12.5%, तो यहाँ पर आपका क्या है, 12 से 3 गुना, 12 तिया 36, ठीक ना, और आधा तिया कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि 36 1 37.5, यानी कि 1/8 का 3 गुना, तो यानी कि 3 × 1/8 कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 37.15 के। यानी कि कैसे हुआ ये, अब इसको यहाँ पर जान लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 1/8 का वैल्यू कितना है, 12.12 है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार पूरा पूरा लग जाएगा, उस एक को इसमें ऐड कीजिएगा तो 37 आ जाएगा, हासिल में कितना, कैरी में कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1/2, तो 37.1/2, यानी कि 37.5 आ रहा है
इसलिए अब इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम कितना 3/8। यहाँ पर समझ गए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। आपको पता है 66.66 पर रेकरिंग आता है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो परसेंटेज उड़ाएंगे, 00 आएगा, काटेंगे मारेंगे, बहुत समय जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको पता है कि 2/3 का वैल्यू कितना होता है, 0.66 पर रेकरिंग आता है, इस तरह से आता है। जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज में जब हम बदलेंगे तो इसका मतलब 100 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ। तो यानी कि इसका मतलब हो गया इतना परसेंट किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब क्रॉस का वैल्यू यहाँ पर दीजिएगा तो 24 है, यहाँ 24 लगाइए। अब इसको काटिए तो ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 8 + 24, 24 से 24 कैंसिल, 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका सही आंसर कितना होगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 0 नहीं डालना पड़ा, यानी कि दशमलव को उड़ा करके 0 नहीं डालना पड़ा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 210 का मतलब गुना, अब इतना 14.28 का वैल्यू आपको पता है, हम चार्ट में बताए थे 14.28 का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आ गया आपको, यानी कि 14.2/7। अब इसको दशमलव उड़ाइएगा तो काटेगा तो इस रूप में आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/7। तो इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे 1/7, और 1/7 का वैल्यू हम आपको बताए थे कि 0.1428 के बराबर होता है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/7% इक्वल टू हो जाएगा 14.28, यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/7 के बराबर। तो 1/7 यहाँ पर लिखिए। अब देखिए 7 × 21 = 30, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। कितना सेकेंड लगा, 2 से 3 सेकेंड बहुत हो गया। यहाँ पर 1/7, 7 × 21 यानी कि 30 आ गया। आप बहुत फास्ट हो सकते हैं, जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा, इस टेबल को याद नहीं कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन लॉन्ग चला जाएगा। समय टाइम मैनेज करना है तो आपको इसको याद रखना ही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 1210 का जगह मल्टीप्लाई देंगे। अब हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, या हम आपको बताए थे कि 1111 किसका आता है, 111 आता है 1/9 का, 1/9 का, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 0.111 पर रेकरिंग हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे ही दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा परसेंट में, ये भी आ जाएगा परसेंट में, ठीक ना। तो इसको उड़ा करके तब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 11। जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा, 5/9। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1/9, तो ये हो जाएगा 11 × 55। अब इसका वैल्यू निकालना है तो 9 से कट जाएगा, यह 9 × 9 = 3 बचेगा, 9 × 36 0 आ जाएगा, यानी कि 140, 14 × 75 यानी कि 700 आ जाएगा। कितना आसान था। अब आप इसको दशमलव उड़ाते, रेकरिंग हटाते, फिर से फ्रैक्शन मिलाते, फ्रैक्शन को फिर से इस रूप में लाते, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आप निकालते, अभी क्या हो गया। यदि आप ये वैल्यू याद रखें तो आप इसको निकाल सकते थे आसानी से। अब पता करना होगा कि 5/9 यहाँ पर कैसे हुआ। इसको यदि हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं 5/9 हमको निकालना था 5/9 का वैल्यू। तो हमको पता है 5 × 1/9 इसको लिख सकते हैं। 1/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9 होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 55, 5 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा। तो अब इसको जैसे ही हम बदलेंगे तो हमको पता है 55 तक तो आएगा सीधा सीधा, अब इसको बदलेंगे तो ये आएगा दशमलव में, तो दशमलव यहाँ डाल दिए। 1/9 का मतलब 11 आता है, 5 गुना है, इसका मतलब 5 आएगा, यानी 5 पर रेकरिंग हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे कि हम 4/7 का वैल्यू हमको निकालना है कितना परसेंट में जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/7। अब 4 को मल्टीप्लाई में रहने देते हैं, 1/7 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 14.2/7 होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 56 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर नहीं है कुछ तो प्लस है, इसमें एक बार लग जाएगा, तो एक बार जो लग जाएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि 57। एक बचेगा कैरी 1/7, 57
पूर्णांक 1/7 आ गया। अब इसको जैसे कि हम दशमलव में लिखेंगे तो यहाँ तक तो 57 तक तो सही होगा, दशमलव आएगा, 1/7 का वैल्यू हमको पता है कितना आता है, यहाँ पर भी जैसे बताएं इसको याद रख लेंगे 0.1428 आता है, यहाँ हो जाएगा 1428। अगर परसेंट में बदल रहे हैं तो बस यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ आपको परसेंट में आ गया, ये भी आपको परसेंट में, ये भी आपको परसेंट में, ये भी आपको परसेंट में, तो आपका वैल्यू दिया रहेगा इस तरह से कि आपको 210 का 57.1428% कितना होगा, इस वैल्यू को आप निकाल करके रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वैल्यू को आप होमवर्क के रूप में रख लीजिए, नोट कर लीजिए और निकाल करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को याद रखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथ ले गया।